नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, मैं आज लाल धागे से संबंधित आपको कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। आप शनि के प्रकोप के कारण अर्थ के मार से जूझ रहे हैं, आपके पास में अर्थ की कमी है, या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और आप माला माल होना चाहते हैं, तो फिर आप एक लाल धागे का उपयोग करें। कच्चे सूत का जो धागा आता है, या मौली धागा जिसे हम पूजन के समय अपने हाथ में पहनते हैं, उसे आप लेकर के आ जाएं और अपने सिर से पैर तक उसे पहले नाप लें और उसके बाद उसके बीचों बीच एक आम का पत्ता या अशोक का पत्ता लगा दें और उसे लगाने के पश्चात आप अपने सर के ऊपर से 7 बार उसे बार के बहते जल में यदि आप प्रवाहित कर देते हैं तो आप शनि के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आप धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो उसमें आप एक काला धागा ले लें, एक पीपल के पत्ते पर उसको रखें, उसमें थोड़ी सी शहद टपका दें, 2-3 बूंद गंगा जल डाल दें और थोड़ी सी मिश्री की डली डाल दें। सामने आप एक घी का दीपक जला करके एक मंत्र, एक माला, क्षमा करेंगे, एक माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें और एक माला आप ओम ह्रीम श्रेयी नमः लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लें। इसके पश्चात इस सामग्री को आप किसी झाड़ के पास छोड़ दें। ऐसा करने से आपके पास में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, आप हमेशा माला माल रहेंगे। ये धन प्राप्ति करने का बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, तो आप इसको जरूर करके देखें। लाल धागे के आज मैंने आपको 2 प्रयोग बताए, इन दोनों उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप किसी समस्या से ग्रसित हैं और आप उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट सीधे संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप यदि संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर शुरू में जो मेरा वीडियो आता है उसमें लिखे रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं, आप उन मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में आज की बात समाप्त। नमस्कार, ओम शांति। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं या किसी भी समस्या से परेशान हैं, बच्चे की शादी हो, कोर्ट कचहरी हो, या बच्चे की कुंडली बनवाना हो, घर में वास्तु दोष हो, कुंडली दिखाना हो, आप किसी भी प्रकार
की समस्या के समाधान के लिए यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं और छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में फिर से खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो है व्यक्तिगत मिलना, आप हमसे फेस टू फेस आकर के मिल सकते हैं। दूसरा है हमारे दोनों नंबर जो है उन पर व्हाट्सएप उपलब्ध हैं, आप व्हाट्सएप पर अपनी सारी जन्म तारीख, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भेज करके और समय लेकर के और बैंक का खाता लेकर के पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले अपॉइंटमेंट ले लें, उसके पश्चात आप हमसे बात कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी और फेस टू फेस माध्यम से भी। हमारे कार्यालय का पता है MIG 318 न्यू बोरसी कॉलोनी दुर्ग। हमारे संपर्क मोबाइल नंबर है 9826173333 और दूसरा नंबर है 7000594257 यानी 7000594257। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से भी हमसे संपर्क करके अपने जीवन की जुड़ी समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।